ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, फैक्टरिंग, ठीक है। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, तो से फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस, मेन बिजनेस क्या होता है, क्या करना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है, गुड्स और सर्विसेस, ठीक है। अभी जब वो गुड्स और सर्विसेस सेल करती है, ठीक है, तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उन लोग को क्रेडिट में ही सेल करना पड़ेगा। अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ये मैं मार्कर बना रहा हूँ, ठीक है, तो मार्कर बनाऊंगा तो जब मैं अपने कस्टमर को बेचूंगा तो अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए मुझे उन लोगों को कौन सा फैसिलिटी देना पड़ेगा, क्रेडिट फैसिलिटी देना पड़ेगा, मतलब उधार पे माल बेचना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं क्रेडिट पे नहीं बेचूंगा तो मेरा बिजनेस और एक्सटेंड नहीं होगा। अभी बिकॉज सर अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा, बिकॉज अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा तो देर इज अ चांसेस कि क्या हो जाए, बैड डेट्स। क्यों? बिकॉज ये क्रेडिट पीरियड कितने डेज का भी हो सकता है, 30 डेज का हो सकता है, 60 डेज का हो सकता है, 90 डेज का हो सकता है ना, मैं कितने भी महीने का क्रेडिट दे सकता हूँ। बट जितना सर क्रेडिट पीरियड ज्यादा होगा उतना चांसेस होगा मेरा क्या, बैड डेट्स होने के, ठीक है। और साथ ही साथ सर मुझे एक टीम बिठाना पड़ेगा, मुझे एक टीम बिठाना पड़ेगा किसके लिए, कलेक्शन करने के लिए। अभी कलेक्शन करने के लिए मैंने टीम बिठाया, मतलब मुझे खर्चा लगेगा, मुझे उनको सैलरी देना पड़ेगा, मुझे उनको लैपटॉप प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके लिए एसी लगाना पड़ेगा, उनके लिए एक ऑफिस लेना पड़ेगा, तो कलेक्शन के लिए भी मुझे खर्चा होगा। मतलब मेरे पास दो खर्चे हो रहे, एक बैड डेट्स हो रहा है, ठीक है, नुकसान हो रहा है बिकॉज मैं क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, देयर इज अ चांसेस कि 2-3% मेरा क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है। प्लस मैं कलेक्शन करने के लिए जो पर्सन को अपॉइंट कर रहा हूँ उनको सैलरी वगैरह देना पड़ेगा। मतलब सर ये जो क्रेडिट का रिकवरी है उसके लिए मुझे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये टेंशन ना लूं, मैंने जितने भी माल बेचे हैं या फिर मैंने सेल किया है, ये सबका कलेक्शन का काम मैं किसी और को दे दूं, से फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे दिया, ठीक है। अभी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करेगी सर, मेरे बदले में, मेरे बिहाफ में क्या करेगी सर, कलेक्शन का काम करेगी। कलेक्शन का काम तो करेगी ही करेगी, प्लस साथ में मुझे क्या दे देगी, जितने भी अमाउंट का मैं कलेक्शन दूंगा उसका एडवांस अमाउंट मुझे दे देगी 80%। तो से फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपीस का माल बेचा, कितने का, 5 लाख। अभी ये 5 लाख का मैंने फैक्टरिंग किया, क्या किया, फैक्टरिंग मतलब एक पर्सन को अपॉइंट किया, एक फॉर्म को अपॉइंट किया और उसको कलेक्शन का काम दिया। वो क्या करेगा बताएंगे, 5 लाख का कुछ एडवांस अमाउंट मुझे दे देगा। मतलब से फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ डिसाइड किया कि 90% एडवांस मुझे दे दिया, तो 5 लाख का 90% कितना होता है, 450। यहाँ मेरा बेनिफिट क्या हुआ पता है, यहाँ मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मैंने 5 लाख के जो माल बेचे थे उसका 450 तो मुझे अभी मिल गया। अभी सर इसका बेनिफिट क्या है, ये क्या करेगा पता है, ये कलेक्शन करेगा, ठीक है, कलेक्शन करेगा 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज में जो भी डेज का कलेक्शन पीरियड होगा वो कलेक्शन करेगा, और फिर कलेक्शन करने के बाद मुझे पूरा 5 लाख रुपया दे देगा, मतलब बाकी के 50,000 भी दे देगा। तो सर इसका फायदा क्या, इसने तो पूरा 5 लाख दे दिया, पर 5 लाख देने के बाद वो कुछ परसेंटेज चार्ज करेगा, से फॉर एग्जाम्पल 3%, 4% जो भी उन लोग ने डिसाइड किया होगा एज अ कमीशन। तो यहाँ मेरा बेनिफिट क्या हुआ सर, कंपनी का बेनिफिट क्या हुआ, कंपनी को पहले तो बैड डेट्स होने का डर चला गया, प्लस कलेक्शन के लिए जो टीम बिठानी थी उसका खर्चा चला गया। उसने क्या किया, अपना जितना भी बर्डन था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे दिया, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने एडवांस दे दिया अपने को, ठीक है, और बाकी का कलेक्शन के टाइम पे इसको बोलते हैं रिजर्व रखना, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व उन्होंने रखा, जब पूरा कलेक्शन होगा बट बाद में उन लोग 50,000 दे देंगे। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ सर फैक्टरिंग का, एक एग्जांपल देख रहे हैं, अपने पास पता है हम लोग शॉप पे जाते हैं, ठीक है, मोबाइल शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप पे जाते हैं, तो मोबाइल शॉप वाला क्या करता है सर, अपने को है ना बोलता है कि सर एक काम करो लोन पे मोबाइल ले लो, किस पे ले लो, लोन पे मोबाइल ले लो, समझो बजाज फाइनेंस आ गया, बजाज फाइनेंस, ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये बजाज फाइनेंसिंग क्या है, से फॉर एग्जांपल शॉपकीपर वाले ने क्या किया पता है,
शॉप वाले ने, मोबाइल शॉप वाले ने, हम लोग कौन है? कस्टमर है। हम लोग कौन है? कस्टमर। अच्छा, इसको अपने को माल बेचना है, अपने पास दो, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर कैश में बेच दे, या तो फिर किस में बेचे? क्रेडिट में बेचे। बट इसको डर लग रहा है, क्या बताएं, ये कस्टमर भाग गया तो है ना, अभी मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया से फॉर एग्जांपल, और फिर भाग गया तो वो क्या करता है, वो अपना टेंशन कहीं और शिफ्ट कर देता है। क्या बोलता है, बजाज फाइनेंस से आप एक काम करो, लोन ले लो। अब ये बजाज फाइनेंस वाला क्या करेगा, ये लोन देगा, अपने को देगा, कलेक्शन अपने से करने वाला है, बट वो अभी पैसे किसको दे रहा है? शॉप वाले को। शॉप वाले को, समझ रहे क्या? हाँ। तो ये बजाज फाइनेंस कर क्या रहे सर, इट मींस ये शॉप वाले ने बजाज फाइनेंस को फैक्टरिंग किया है। क्या किया है? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मतलब सर, बजाज फाइनेंस वाला क्या करेगा बताए, एक पर्टिकुलर अमाउंट किसको दे देगा? शॉप को। शॉप वाले को। और अपने से ही वही अमाउंट क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इन इंस्टॉलमेंट। अरे समझा? और आप लोग को बताया, पता रहेगा, पता है 200 रुपया प्रोसेसिंग फीस, 300 रुपया प्रोसेसिंग फीस, मतलब समझो आप लेने गए 90,000 का मोबाइल, ठीक है, उसमें आपको बोलते सर रजिस्ट्रेशन का 500 रुपया लगेगा, और फिर 500 रुपया सर प्रोसेसिंग फीस, मतलब आपको 91,000 में लोन हो जाएगा, मतलब फोन का वैल्यू कितना है? 90,000। बट आपसे कलेक्ट कितना कर रहे हैं? 91,000। इसमें इसका फायदा क्या, किसका? बजाज फाइनेंस का फायदा क्या? बजाज फाइनेंस का फायदा है कि बजाज फाइनेंस को 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस लोन का वैल्यू कितना है? 90,000। वो है ना, शॉपकीपर को डायरेक्टली 90,000 नहीं देगा, 90,000 से कम वैल्यू देगा, मतलब 89,000 देगा, मतलब 1,000 रुपए उसको यहाँ से भी आ रहा है और कलेक्शन करने से भी यहाँ से आ रहा है, मतलब 90,000 अभी उसने भले दे दिया किसको, 89,000 भले उसने दे दिया किसको, शॉप वाले को, बट उसको फ्यूचर में कितना मिल रहा है? 92,000 किसको? बजाज फाइनेंस वाले को। वैसे बहुत सारे एबीसी फाइनेंस, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अरे समझ रहे, ये तो आप लोग को प्रैक्टिकली समझे व्हाट यू मीन बाय फैक्टरिंग, इसलिए समझा, बट ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट किसमें होते सर, बिजनेस में, जब हम लोग गुड्स वगैरह सेल करते हैं तो क्रेडिट ड्यूरेशन होता है, और क्रेडिट ड्यूरेशन को कलेक्शन करने के लिए अपने बैड डेट्स हो सकता है, कलेक्शन टीम को पैसा देना है, ये सब मगजमारी ना करते हुए उन लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अपॉइंट करते हैं और उसको बोलते हैं तू कलेक्शन का काम कर, और जब इसको अपॉइंट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया फैक्टरिंग का तो किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। Is that clear? अच्छा सर, हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि सर फैक्टरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो से फॉर एग्जांपल मेरे को बैड डेट्स हुआ 10,000, कितना? 10,000, कलेक्शन करने का मुझे खर्चा हो रहा है 15,000, तो टोटल मुझे खर्चा कितना हो रहा है? 25,000 अगर मैं फैक्टरिंग नहीं करवाता, मतलब किसी को अपॉइंट नहीं करूंगा, तो मुझे खर्चा कितना हो रहा है? 25,000। बट समझो यही कलेक्शन का काम मैंने फैक्टरिंग कर दिया, मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हायर कर दिया, और उसको मैं अगर 25,000 से कम पैसा दे रहा हूँ, मतलब समझो 15,000 में डन कर दिया, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? अगर मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे खर्चा कितना आ रहा है? अगर मैं किसी और को दे रहा हूँ तो मुझे खर्चा कितना आ रहा है? तो हम लोग को यही डिसाइड करना है कि ये इनहाउस रखेंगे, इनहाउस मतलब हम लोग खुद कलेक्ट करेंगे या उसको फैक्टरिंग करेंगे, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टूड, समझा? हाँ। चलो लिखते हैं। करना